पिला माने आज हमें डिस्कशन करबा चांद का झिंगोला चैप्टर किछटा लॉन्ग क्वेश्चन ठीक अछि। तो हमें 5-6 घंटा क्वेश्चन डिस्कशन कर देबा जा धीर कि तमे आइडिया हे जइबो कि को टाइप रो लेखंती ठीक अछि। ताहाले तुमको एटा 5 नंबर रो माने 5 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो। ताहाले देखो फर्स्ट क्वेश्चन बचत छि हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला सिलवा दो मां मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। ताहले ए लाइन नो मीनिंग तुमको स्पष्ट करया रछि। ताले पिला माने मते चांद का झिंगोला चैप्टर पढैतली तमे जेंगे से वीडियो देखी दिबो जो न देखि छ ताले फर्स्ट जेंगे से वीडियो देखिनियो। जो माने बुझि छथि से माने किछ घोसिबा एमती चारटा लाइन घोसिबा नाही सेमती नाही तो चारटा लाइन नो पिला माने तुमको पाखा बाकी चाखेंड पाखा बाकी लेखियो पडिबो। तो एमिति जे चारटा लाइन न दे जे सेमिति न लेखि आउ टिके अधिक अधिक पैसेज करकी लेखिबो एमती चारटा लाइन लेखि छाडिबनी सो दैट कि तुमको इम्प्रेशन मार्किंग भी मिलिबो। तो तुमको कही चे दुई तीन टाइम लाइन लिखे तुम लिखन है देख ताले हट कर बेटा चांद एक दिन माने गोटे दिन चांद जिदी धरूला आ माँ को कहूला माँ गोटे उल रो मोटार गोटे झिंगोला सिलई देवाईटा को तुम वार्डिंग्स केमती लिख लिख पे यहाँ कवि रामधारी सिंह जी के जी कहते हैं कि चांद चांद एक दिन माँ के पास जिद कर बैठा। ताले तुमको से सब प्रोज पोएट्रीर लिखा पड़ो मन रखा पड़ो कौन राइटर ना आगे पोएट ना सो दैट कि तुम एमती स्टार्ट कर चांद का झिंगोला राइटर होती किए रामधारी सिंह दिनकर। तो से लिखाला जे यहाँ कवि रामधारी सिंह जी कहते हैं कि चांद एक दिन माँ के पास जीत कर बैठा। उसने अपने माता से कहा उसके लिए ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवा दो ताकि रात में सफ़र करते हुए वह ठंड से बच सके और अपनी यात्रा पूरी कर सके। तले पिला मैंने जिस्ट थी ये कि आपको तुम्हें केमती बने चुने लिखो कि चांद अपने माँ से कह रहा है कि रात भर सनसन हवा चलती है क्योंकि यह कौन सा मौसम था क्योंकि यह जाड़े का मौसम था इसीलिए चांद एक जीत पकड़ कर बैठता है कि उसे एक झिंगोला चाहिए वो भी उनका मोटा से एमती निजो मनरु दुई तीन लाइन आड कर दबो सो दैट कि आटलिस्ट 5-6 लाइन तो पिला माने लिखिबो। तापर देखो तापर दुई नंबर पचारि सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ताले सन सन हवा कैसे चलती है सन सन चलती है रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ। तो आ मीनिंग में लिखवा कौन देखो उपरोक्त रामधारी जी उपरोक्त जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखा गया है रामधारी सिंह रामधारी जी के द्वारा। उपरोक्त रामधारी जी के द्वारा लिखित पंक्तियों में चांद क्या कहता है चांद अपनी माँ से बोलता है कि पूरी रात कैसी हवा चलती है पूरी रात ठंडी हवा सनसन बहती रहती है ठीक है और वह बेचारा ठंड से कांपता रहता है। ताले तो मैं इटा भी आड कर परिवो कि चांद रो कौन काम है चांद का काम है रात भर आसमान का सफर करना। ताले जेहेतु सेटा मौसम थिला जाड़े रो सिख पें कि रात भर सनसन हवा चलथला जाड़े के इस मौसम में वह कांपता हुआ आसमान में पूरी रात सफर करता है। ताले जाड़े के मौसम रे चांद कौन थोरी थोरी की आसमान रो सफर करुची से कि चांद कौन कर जीभ धरिकी बसचिकी ताको गोटे मोटार उल झिंगोला दरकार बोली। ताल दुई नंबर गला तीन नंबर पे देख यारि भितर हिं कि क्वेश्चन आसो एमती ना जो बाहर आसो हिंदी तुम्हें टी ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर हो सब्जेक्ट जी टॉपिक बुझे सी ना लिखिपार ठीक अच्छे आ सब निज मन लिखापी ट्राए कर के घोषिकी दि चार लाइन गोटे लाइन भूली जाओ जब पूरा पस पड़ो तो टाइम वेस्ट हे सेमती ना मन लिखापी बुझीगले मन लिखिपार जे ठीक अच्छे मन लिखापी ट्राए कर आ बेले बेले बसिक गोटे दुटा क्वेश्चन लिख सो दैट कि हिंदी लांगुएजा आम एत टच रे ना ना तो से कि तुम टच रे भी रोक गोटे गोटे क्वेश्चन लिखले तुम हाथा भी फ्री हे आम जल्दी जल्दी भी लिखिपर ना धीरे धीरे लिखले भी टाइम पड़े ना। तो देखो तीन नंबर कौन कही आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का न हो अगर तो लादो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तला मीनिंग कौन इन पंक्तियों में चांद अपनी माँ से बोलता है क्या बोलता है कि वह जाड़े के मौसम में कांपते हुए कैसे कांपते हुए माने थोड़ी थोड़ी की अपनी रात्रि का सफर पूरी करता है क्योंकि चांद का काम होता है चांद का क्या काम होता है चांद का काम होता है आसमान का सफर करना वो भी रात में चांदरा कौन दिन रहे कि पिला मैंने रात रहे ना उसे ठंड के कारण कष्ट होता है किसे चांद को ठंड के कारण कष्ट होता है क्योंकि ठंड के कारण सनसन हवा चलती है एम तो लिख दबो पिला मैंने
इसीलिए यदि माँ उसके लिए झिंगोला सिलवा नहीं सकती तो कम से कम भाड़े का एक कुर्ता ला दे, जिससे वो ठंड से बच सके और रात का सफ़र सॉरी रात में आसमान का सफ़र कर सके। বুঝি পাৰিছ তো পিলাখানে তাহলে তুমি আইডিয়া গোটেই নিও কি কেউ টাইপ্র লিখিব। তাপরে 4 নম্বর পিলাখানে পচারছি, বচ্চে কি শুন বাত কাহা মাতা নে আরে সলোনে কুশল করে ভগবান লগে মত তুঝকো জাদু টোনে। ইন পংক্তিও মে চাঁদ কি বাত শুনকর মা উসে সান্ত্বনা দেতি হে কি ইস इन पंक्तियों में चांद की बात सुनकर माँ उसे सांत्वना देती है। क्या सांत्वना देती है? कि उसे कुछ नहीं होगा, भगवान की कृपा उस पर बनी रहे। और माँ उसे क्या कहकर संबोधन करती है? अरे सलोने। आप ये भी लिख सकते हो उसकी प्रार्थना है कि भगवान उसके बेटे को जादू टोने और अमंगल से बचाकर सदा कुशल मंगल रखे। डन पिला मैंने। तब 5 नंबर पचर्च तुमको कौन जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। माँ किससे डरती है? एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तले माँ कहते चांद जो कम्प्लेन करके गोटे झिंगला दरकार, माँ कहते ठीक अच्छे मुझे थोड़ी झिंगला देदेवि, किंतु प्रोब्लेम कौन हो माँ को कथार डर। तले देख उपरोक्त पंक्तियों में कभी कहते हैं कि चांद जब माँ से झिंगोला बनाने की जिद करता है तो माँ उसकी बात सुनती है, पर क्या, पर माँ कहती है कि उसका आकार रोज बदलता रहता है तो वह किस नाप का झिंगोला बनाए। ताले पिला मैंने तुम जो ड्रेस जोने कर साइज तुम कौन माप नहीं कर चांदर किंतु कौन हो चांद्र आज बढ़ी जाऊँच कल कमी जाऊँच दिने दिने तो पूरा अदृश्य हो जाऊँच परफेक्ट साइज तो गोटे पाइले माँ तो पुणी सिलई करेंगे ना झिंगोला क्योंकि चांद एक नाम पे जो वो पेन्स पता देख कौन कहले माँ कहते कि उसका आकार रोज बदलता है तो वह किस नाप का झिंगोला बनाए जो वो पहन सके क्योंकि चांद कभी एक नाप में नहीं दिखता। ठीक अच्छे। तब आसला पिला मैंने 6 नंबर। ताले 6 नंबर कौन कही कभी एक उंगल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तला आंसर देखो यहाँ कभी कहते हैं कि चांद छोटा बड़ा होता रहता है, वह कभी एक उंगली भर चौड़ा तो कभी एक फुट मोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है तो कभी छोटा हो जाता है, वह रोज घटता बढ़ता रहता है तो किस रोज का नाप लेकर उसके लिए झिंगोला बना जाए तो हर रोज वो पहन सके। गला 6 नंबर। तापर आसला पे कौन 7 नंबर। तले 7 नंबर पचार कौन घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसे भी तू कटता है नहीं किसी की आंखों तो दिखलाई पड़ता है। ताले इन पंक्तियों में माँ अपने बेटे से क्या कहती है? माँ अपने बेटे से कहती है कि वह रोज क्या करता है, वह रोज घटता बढ़ता रहता है, उसके आकार प्रकार का कोई ठिकाना नहीं है, अमावस्या के दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता कौन चांद, पूर्णिमा के दिन पूर्ण दिखता है, तो माँ इस घटते बढ़ते स्थिति में उसके लिए कैसे झिंगोला बना सकती है, अंत अस्थिर के लिए कुछ भी किया नहीं जा सकता। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमें सर्वदा क्या करना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए क्योंकि अस्थिर के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है। तापर देखिए हमें 8 नंबर पिला मैंने। ताले 8 नंबर कौन पढ़ चाची अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज लिवाए सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। ताले 8 नंबर रे देखो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चांद का झिंगोला बनाने के जिद तो ठीक है परंतु उसके आकार में रोज परिवर्तन के कारण उसके माँ झिंगोला बनाने में असमर्थ होती है। तो माँ किसी कारण झिंगोला बनाने के असमर्थ होती है क्योंकि चांद का नाप कभी सही नहीं रहता, रोज बदलता रहता है। माँ उससे कहती है कि किस दिन का नाप लेकर झिंगोला बनाए जो वो रोज पहन सके और ठंड से बचकर यात्रा पूरी करे। तो पुआ को जिते बड़े कष्ट हो माँ भी चाहूँ तापाई गोटे झिंगोला तैयारी करने कि जेहतु पुअर निर्दिष्ट गोटे आकार नहीं तो माँ ताको कौन सिलई पार ना गोटे निर्दिष्ट साइज रहा एम गोटे सिलई दे तो सब सी सबुदिन पिंधता ना कि जेहतु चंद्र आकार सैज रो ठीक रोने से माँ भी डरुँ। ठीक अच्छे। तो पिलाने आज आम डिस्कसन कले चांद का झिंगला लंग क्वेश्चन जदि भिडी भल लगी निज सांग भितर सेयार कर आउ भिडियो को लाइक करके किसी भी डाउट थी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो आ मोस्ट इंपोर्टेंट कथा होती चैनल को सब्सक्राइब करनी हो सो दैट कि तुम रेगुलाली एमती वीडियो पाई पार। थैंक यू सो मच।